में सवाल जवाब के लिए आज हमने स्पेशल 5 से 10 मिनट का टाइम निकाला है, जो कि आखिर में जरूर करेंगे। मैं से 8:35 पर सेशन एंड होगा, मैं 8:25 से 8:28 के दरमियान आपको डिस्टर्ब करूंगा, फिर हम इनके लाइव क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अच्छा बच्चों, फर्स्ट लेक्चर जिन लोगों ने नहीं लिया उन्हें एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में क्या था, फर्स्ट लेक्चर में ये था कि हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि हमने ये इस कोर्स की का रीजन क्या है, हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बेटा हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि खुद को हमने किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, जो कि आपके इंटरव्यू का हर चीज का पहला पोर्शन होता है। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन हमने देखा कि हमें कहाँ कहाँ कराने की जरूरत है। हमने देखा कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन क्लास, एट सम जॉब इंटरव्यू, एट अ न्यू हॉबी, एट अ लार्ज इवेंट, और मे बी इन फ्रंट ऑफ समवन। फिर हमने देखा था जी ग्रीटिंग्स कौन सी हैं, किस तरह से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने देखा था कि आप किस तरह से अपना नेम बता सकते हैं। अपने थर्ड पॉइंट की तरफ से आज हम स्टार्ट करते हैं, हाउ यू कैन टेल एनीवन अबाउट योर जियोग्राफिकल लोकेशन। लाइक यू कैन से आई एम फ्रॉम, और आप आगे से अपनी सिटी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्रॉम लाहौर एंड यू वेंट टू इस्लामाबाद। सो आप क्या करोगे, वहां अपनी सिटी बताओगे दैट आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। उसके बाद हाँ, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में मूव करते हो, व्हाट यू कैन से, यू कैन टेल देम अबाउट योर कंट्री और अबाउट योर नेशनैलिटी। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी नेशनैलिटी क्या है, हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, अच्छा आप क्या कह सकते हो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अब या आप कह सकते हो आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगर एक केस है कि आप किसी एक जगह पैदा हुए हो लेकिन आप किसी दूसरी जगह पे बड़े हुए हो, तो यू कैन से दैट आई एम बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज इन एनी अदर कंट्री लाइक यूएई, यूके और यूएसए, व्हाटएवर यू वांट टू से। और लेकिन आप अगर कहते हो कि आपने रेज बाद में लगाया है, तो आपने फर्स्ट भी पास टेंस लगाना है, तो आपको हो गया आई वॉज बोर्न इन एंड रेज इन, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज इन यूएई। ठीक है, आई ग्रू अप, आप किसी जगह बड़े हुए हो, जैसे हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं तो हम कहेंगे आई ग्रू अप इन पाकिस्तान, बट अगर हम किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएं तो हम क्या कहेंगे, बट लिविंग इन यूएई, यूके और व्हाटएवर इट इज, आई हैव बीन लिविंग इन। अब आपने किसी को बताना है आप किसी जगह कितने साल से रह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, आई हैव बीन लिविंग इन यूके सिंस हाउ मेनी ईयर्स, since 5 years, since 6 years, I have spent the past years in, ke maine apni zindagi ke pichle saal kahan guzare hain, I have spent my past years in UK, I have spent my past years in Pakistan. Phir aap apni work position batate ho, ki aapki work position kya hai, I work at, main fulan jagah pe kaam karta hu, for example, I work at Facebook. फिर आई वर्क फॉर, इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन हु इज फेमस, कोई ऐसा बंदा जो कि फेमस है, आप उसके लिए काम करते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, आई वर्क फॉर एलन मस्क, आई वर्क फॉर बिल गेट्स। ठीक है, अब आई वर्क इन कब आता है, जब आप अपनी फील्ड बताते हो, आप अपनी वर्क नीश बताते हो। ठीक है, वर्क नीश क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइटर हूँ तो मेरी नीश राइटिंग है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपकी नीश ग्राफिक डिजाइनिंग है। सो यू कैन से आई वर्क इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आई वर्क इन एजुकेशन, आई वर्क इन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी बेटा जो आपकी एजुकेशन है वो क्वालिफिकेशन है। अब अगर आप किसी चीज में ग्रेजुएट होने वाले हो, बट यू कैन से आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट इन, मैं इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स। लेकिन उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो क्या कहोगे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, आई एम अ सब्जेक्ट ग्रेजुएट। अब वो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है। For example, I'm a math graduate, I'm an English graduate, I'm a physics graduate. ठीक है, या आप कह सकते हो I have a bachelor's degree in, आगे आप अपना सब्जेक्ट लगा दोगे। For example, what I'll say, I have a bachelor's degree in English language and literature.
फिर उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने बीएस कर लिया, बीएस के बाद आपने जो एमफिल किया या एमएस किया, तो उसे क्या कहते हैं आप, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं. तो आप कहोगे आई एम एन, एन या आ लगा के अपना सब्जेक्ट लगाओगे और पोस्ट ग्रेड. फॉर एग्जाम्पल बट आई विल से आई एम एन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पोस्ट ग्रेड. या आप ये भी कह सकते हो आई हैव डन माय एमफिल इन इंग्लिश, या आई हैव डन माय एमफिल इन फिजिक्स. बट बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू यूज वर्ड्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपको इस तरह से बोलना है कि आपका बोलना जो है that should be different from others if you are a good communicator. ab aap agar koi course jo hai theoretical subject mein keh rahe ho, jaise aapki spoken english jo hai ye ek theoretical subject hai, aapki writing jo hai agar aap content writing keh rahe hain to wo ek theoretical subject hai. राइटिंग में हम टूल्स यूज करते हैं लेकिन फिर भी हम राइटिंग को कहते हैं कि वो एक थ्रेटिकल सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि वो बाद में आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है. आप तब कहोगे आई एम टेकिंग कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, आई एम टेकिंग कोर्स इन कंटेंट राइटिंग. अब अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई कोर्स कर रहे हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, आप एनिमेशन सीख रहे हो, आप क्या कहोगे आई एम करेंटली टेकिंग अ कोर्स ऑन, आई एम करेंटली टेकिंग अ कोर्स ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई एम करेंटली टेकिंग कोर्स ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग. अब क्या है, आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन और ऑन, ये सेम रहेगा जब आप कंप्लीट कर चुके होगे कोर्स. हाँ, इसके साथ आप टाइम भी लगा सकते हो. आई हैव कंप्लीटेड 3 months कोर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आई हैव कंप्लीटेड 6 months कोर्स इन वीडियो एडिटिंग. ठीक है, देन हम एक्सपीरियंस को देखते हैं. आई हैव नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस ऑक्यूपेशन इन फील्ड. ऑक्यूपेशन इन फील्ड क्या होता है कि आप एक देखो एक फील्ड है, अगर वो एजुकेशन की फील्ड है तो उसमें बेशुमार डिफरेंट है, उसमें टीचर्स हैं, उसमें मैनेजमेंट है, उसमें क्लरिकल स्टाफ है. तो आपने अपना ऑक्यूपेशन बताना होता है जो आपका फील्ड में है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव राइटिंग. अब क्रिएटिव राइटिंग क्या है, वो राइटिंग के अंदर मेरी फील्ड है या मेरा ऑक्यूपेशन है. ठीक है, फैमिली, फिर आप कहते हो आई एम फ्रॉम फैमिली ऑफ 7 or 8. अपनी फैमिली के आपने पर्सन के बारे में अगर बताना है, या आप कहोगे वी आर फैमिली ऑफ 6, वी आर फैमिली ऑफ 7, वी आर फैमिली ऑफ 8. Then you talk about your hobbies. I really like कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है. I really like movies. Movies देखना आपकी होती है. I really enjoy movies. I'm a big fan of adventure movies. I'm a big fan of reading. I'm a big fan of painting. अब जब I'm keen लगाएंगे तो आप आगे उससे पर्सोनिफाई कर दोगे, एक बंदे के साथ उसे रिलेट कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कीन पेंटर, आई एम अ कीन रीडर. सही है, समझ आ रही है बच्चों आपको. फिर हम एज की बात करते हैं. अब फ्रेंकली स्पीकिंग आप सीधा से कह सकते हो कि आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, आई एम 24 years ओल्ड. या आप कह सकते हो, अगर आपने अपनी एज नहीं बतानी दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है. आप कह सकते हो आई एम इन माय अर्ली मिड एंड लेट, और उसके बाद अपनी डेकेड लगा दो. डेकेड क्या होती है, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, ये आपकी डेकेड है. अगर आप 21 साल से लेकर 24 साल के हैं तो आप कहते हो आई एम इन माय अर्ली 20s. या आप फिर 25 से लेकर 27 साल के हैं तो आप कहते हैं आई एम इन माई मिड 20s. और फिर उसके बाद जो है 28 या 29 साल के हैं तो आप कहते हैं आई एम इन माई लेट 20s. ठीक है, सो इस तरह से आप अपनी एज बता सकते हैं. इट्स रियली फाइन अगर आप अपनी एग्जैक्ट एज बताना चाहो, या आप अपनी एज ना भी बताना चाहें तो. सेल्फ इंट्रोडक्शन के स्टेप्स देख लेते हैं. देखो हम एक प्रॉपर ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं. हम कह सकते हैं हेलो माय नेम इज दिस, नाइस टू मीट यू, आई एम दिस.
state your purpose. Whenever you are meeting with someone, you have to tell them about your purpose, why you are meeting with that person, why you are somewhere. So it's compulsory to tell them about your purpose. For example, you are somewhere for a job interview. You could say that I'm here for a job interview for the position of teacher, for the position of graphic designer, for the position of content creator. Uske baad agar aap social event mein hai, to aap keh sakte hain, I'm here to meet new people and for network. Phir, share a little bit about yourself. When you give your basic information to someone, it's easy for them to understand you. Plus, when you will attend professional gatherings, you have to tell them a little bit about yourself. क्यों क्योंकि आप देखो एक professional gathering आपने attend की, वहाँ आपने अपने बारे में उन्हें बता दिया कि भाई मैं ये person हूँ. तो उससे फायदा क्या होगा? उससे आपका फायदा ये होगा कि बेटा अगले बंदे को आपका ऑक्यूपेशन पूछना नहीं पड़ेगा. हाँ, अगर उसे कोई बंदा रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको इमिडिएटली हायर कर लेगा. ठीक है, जब प्रोफेशनल गैदरिंग्स में आप जाते हैं, जो बिजनेस गालाज होते हैं ना, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा कंपल्सरी होती है. देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स. यू कैन आस्क अबाउट देयर ऑक्यूपेशन, यू कैन आस्क अबाउट देमसेल्व्स. सो इससे फायदा क्या होगा? यू विल एबल टू अंडरस्टैंड देम इजीली. आपको पता चल जाएगा अच्छा ये बंदा इस चीज का है या ये कहाँ है. अच्छा देखो, जब हम बड़ी एक मजे की एग्जांपल है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमसे पहले पूछते हैं कि आप क्या करते हैं. तो हमारी जो फैमिली डॉक्टर हैं, उन्हें हम डॉक्टर मामू कहते हैं. तो उनसे मैंने पूछा कि आप ये क्यों पूछते हैं. तो ये सिंपली सेड, हम उनके ऑक्यूपेशन का अंदाजा लगाते हैं और उसके बाद हम उन्हें रिकमेंड करते हैं एज पर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट कि वो क्या उनके लिए अफोर्डेबल होगी या नहीं होगी. फिर एंड विद अ पोलाइट क्लोजिंग. आपका लास्ट इम्पैक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे जब हम स्टेज छोड़ते हैं तो हम कहते हैं थैंक यू, तो वो बड़ा मैटर करता है. या हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम और थैंक यू फॉर द टेकिंग टाइम टू चैट विद मी, इट वाज रियली नाइस टू मीट यू, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू. ताकि उस बंदे को पता चले कि हाँ, मैंने जितना टाइम इसके लिए साथ स्पेंड किया है, ये उसे वैल्यू दे रहा है. अब हम ना एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने खुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है इन अ प्रोफेशनल सेटिंग. एक एग्जाम्पल एक ऐसे बंदे की है जो एक जगह इंटरव्यू देने गया हुआ है. ठीक है, इंटरव्यू किस चीज का है? मार्केटिंग मैनेजर का है. ठीक है, हेलो, माय नेम इज जॉन, आई एम हियर फॉर द जॉब इंटरव्यू, आई एम करंटली वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर एक्स वाई जेड कंपनी एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन योर टीम. उसने कहा कि भाई मैं एक्साइटेड हूँ आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए. इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस एंड रीडिंग. हॉबीज क्यों बताते हैं? आपके जो इंटरव्यूज में साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है ना, वो आपको आपकी हॉबीज से जज करता है. कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट द कंपनी एंड द पोजीशन. अब उसने अपने इंटरव्यू को इंगेज कर लिया साथ, क्या आप मुझे कंपनी और पोजीशन के बारे में बताएंगे. एंड देन विद अ वेरी पोलाइट क्लोजिंग, थैंक यू फॉर द टेकिंग टाइम टू मीट विद मी टुडे. फिर हम देखते हैं, देर इज अ गर्ल नेम सारा, शी इज समवेयर फॉर नेटवर्किंग, मे बी एट सम इवेंट. सो उसे देख लेते हैं. हाय डियर, माय नेम इज सारा, आई एम हियर टू मीट न्यू पीपल एंड नेटवर्क. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम न्यूयॉर्क बट आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर द पास्ट ईयर. कि मैं यहाँ पिछले साल से रह रही हूँ. In my free time, I like to hike and try new restaurants. Different hobbies hoti hai na, jis tarah different jagahon se khana khate ho, to that is a hobby. What bring you to this event? Ab usne agle bande jisse wo baat kar rahi hai, usse bhi engage kar liya hai. Aur phir usne bahut proper closing di. It was nice meeting you. अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है? आपने इन सारे स्टेप्स को जहन में रखते हुए एक वीडियो बनानी है अबाउट योरसेल्फ, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की, और आपने फेसबुक ग्रुप में अपलोड करनी है. वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? देखो बेटा, जब आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हो ना,
जो जितने भी लीडरशिप स्कॉलरशिप्स होते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के भेजें. एक दो स्कॉलरशिप्स जब आएंगे तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं. लेकिन आप लोगों को अगर अपनी वीडियो फॉर्म में अपने इंट्रोडक्शन वहाँ लिखने के बजाय अपलोड करते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं, ताकि उन्हें पता होता है कि दिस पर्सन इज समहाउ कॉन्फिडेंट. सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट लोगों के साथ काम करना कौन नहीं पसंद करता. ऑलराइट, अपने टंग ट्विस्टर्स हम स्टार्ट करते हैं. टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? टंग ट्विस्टर्स कुछ ऐसे जुमले हैं जिनमें फिनोमेना ऑफ एलिट्रेशन यूज होता है. ये बेसिक से एडवांस्ड कोर्स है, ए टू जी तक सारा कुछ पढ़ेंगे हम. जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी पढ़ सकते हैं इस कोर्स को. अच्छा, एलिट्रेशन का फिनोमेना क्या है? एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ वन साउंड. हमें पता है दे आर 26 अल्फाबेट्स एंड दे आर 46 फिनोम्स, यानी इनके आगे जो साउंड्स हैं 46 हैं, और सर्टेन कंडीशंस में इनके साउंड जो हैं वो एक दूसरे से वेरी करते रहते हैं. ठीक है, अब हमने जुमले निकाल लिए हैं. इनसे क्या होगा, इनसे हम डिफरेंट साउंड्स को रिपीट करेंगे. उस रेपिटेशन का आपको क्या फायदा होगा, क्या फ्लुएंट हो जाओगे और आप क्विकली इंग्लिश बोल सकोगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे. फ्लुएंसी सबसे पहला पार्ट है ना. अब आप देखो, आप कहते हो कि हमने लिसनिंग नहीं करनी, हमने रीडिंग नहीं करनी, हमने भाई सारा कुछ, हमने एक्सेंट नहीं सीखना, सीधा सा हम जाएं बस प्रोनंसिएशन की जादुई छड़ी से घुमा के हमें सिखा दे, तो वो चीज जो है वो अवेलेबल नहीं है. या हमारे पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि हम आपको लगा दें तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए. ठीक है, हर चीज मेहनत मांगती है. ये सेट है, जो पहला सेट है उसमें हम फी का साउंड रिपीट कर रहे हैं, फी अल्फाबेट का. और ये फी जो है बहुत ज्यादा आपके यूज होता है. जैसे एप्पल, फर्स्ट थिंग आप ए फॉर एप्पल पढ़ना सीखते हो. ठीक है, अच्छा, अब फी का जो साउंड है उस पर आपने देखना है, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है. इस तरह हम कायदा पढ़ते थे ना, तो कायदे में हमें अलिफ बा ता सा सिखाते थे, तो वो ये भी समझ लें कि इंग्लिश का अलिफ बा ता सा है. ठीक है, आपको नहीं भी बोलनी आती इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी. द वेरी फर्स्ट वन इज पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. पीटर पाइपर एक बंदे का नाम है, पिक्ड उसने लिया अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अचार डली हुई काली मिर्चें का एक पैक लिया. अब पेपर्स किसे कहते हैं हम, काली मिर्चों को. अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड, उसने पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पिक किया. इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पीटर पाइपर ने अगर एक पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स लिया है, वेयर इज द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड, तो वो पैक ऑफ पिकल्ड पेपर कहाँ गया जो पीटर पाइपर लेके आया था. अगेन रिपीट कर रही हूँ, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड. इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, वेयर इज द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड. अगेन बच्चों, हमने बहुत स्लो पढ़ा है, इसे अगर आप रिपीट कर सकते हो तो मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो. ठीक है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड. इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, वेयर इज द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड. अब नेक्स्ट सेट को हम देखते हैं, उसमें बी का साउंड है. बैटी बूटर बॉट सम बटर, बैटी बूटर ने कुछ मक्खन खरीदा. बॉट खरीदना या लेके आना. बैटी बूटर बॉट सम बटर बट शी सेड द बटर्स बिटर. बटर्स बटर इज की शॉर्ट फॉर्म है. बट शी सेड द बटर्स बिटर. इफ आई पुट इट इन माई बैटर इट विल मेक माई बैटर बिटर. आई नहीं पढ़ते, आई पढ़ते हैं. आई क्या है, ई वाई ई आई, जो कि हमारी आंख है. तो ये अल्फाबेट क्या है, दैट इज आई. उसने कहा कि अगर मैं अपने बैटर में डालूंगी, जो मिक्सचर बनाते हैं हम किसी भी चीज के लिए, पकौड़ों के लिए बनाते हैं, केक के लिए बनाते हैं, तो उसे हम बैटर कहते हैं. ठीक है, इफ आई पुट इट इन माई बैटर इट विल मेक माई बैटर बिटर. कि ये जो है मक्खन थोड़ा सा खट्टा है, तो ये मेरे
बैटर को कभी टेस्ट खराब कर देगा. बटर बिटर बैटर बटर विल मेक माय बैटर बैटर. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बेहतर बेहतर मक्खन ले आऊँ तो मेरा बैटर जो है केक मिक्सचर जो है उसका मजा बेहतर हो जाएगा. सो दैट वॉज बैटर दैट वॉज सो दैट वॉज बैटर बैटी बूटर बॉट अ बिट ऑफ बैटर बटर. तो बैटी बूटर ने क्या किया कि वो थोड़ा सा अच्छा मक्खन ले आई. अब दोबारा हम इसे पढ़ते हैं. बैटी बूटर बॉट सम बटर बट शी सेड द बटर्स बिटर. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of batter butter will make my batter matter. So that was batter. Betty Butter bought a bit of batter butter. So Betty Butter ne kya kiya? Wo thoda sa acha makhan khareed laya. Acha, ab ye cheat sheet of pronunciation hai. Ab hum itne sare alphabets hain. उनके अगर हम साउंड करने बैठे तो वो कितने हजार में साउंड बन जाएंगे. जब आप कम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटीज में चले जाते हो तो चीजें बहुत डिफिकल्ट होती जाती हैं. हमने क्या किया, हमने एक चीट शीट बना ली. हमने कहा छोड़ दो सारी चीजें, हमने इतने सारे, हमने 26 अल्फाबेट्स के सारे डिफरेंट साउंड नहीं याद करने. हमने कहा कि ये वाले जो हमारे चार अल्फाबेट्स हैं टी सी पी एन खाए, इनके साथ हम 8 साउंड ऐड करेंगे तो हमारा जो एक्सेंट है वो नेटिव्स की तरह हो जाएगा. नेटिव्स कौन है? नेटिव्स ब्रिटिशर्स हैं. ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है. तो ब्रिटिशर्स कौन है? ब्रिटिशर्स नेटिव. अब हमने इनके साथ 8 साउंड कहाँ कहाँ ऐड करना है? जब ये किसी लफ्ज के शुरू में आ रहे हैं. If these alphabets are at the beginning of the word, एक word है उसके शुरू पे ये alphabet आ रहे हैं T C P N K. हम क्या करेंगे? इनके साथ 8 sound add कर देंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे? या ये किसी word के middle में आ रहे हो तो हम इनके साथ 8 sound add कर देंगे. लेकिन किसी word के end पे आएंगे तो हम add नहीं करेंगे. अब इसकी हम example देख लेते हैं. पहले हम T sound की आज practice कर लेते हैं. अब हम देखते हैं ये वर्ड्स जो हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं. अब टी के साथ हम 8 साउंड ऐड करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, तो टेबल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टेबल. ठीक है, टेबल, टेलीफोन, टाइगर, ट्रैवल, ट्रेन, टीचर, ट्री, टेलीविजन, टेक्नोलॉजी, थंडर, टेलर, टूना, टूथब्रश, ट्रैफिक, टेनिस, ट्रम्पेट. ये ट्रम्पेट बाजा होता है जो आप लोग 14 अगस्त पे बजा के लोगों को तंग करते हैं ना, उसे हम ट्रम्पेट कहते हैं. ट्राउजर्स, टोमेटो, टी, टोस्ट. अब क्या था इनके, देखो टोस्ट जो है उसके शुरू वाले के साथ यहाँ हमने 8 साउंड ऐड किया टी और ओ के दरम्यान. ठीक है, लेकिन हमने यहाँ 8 साउंड एट द एंड 8 साउंड ऐड नहीं किया. ये छोटी सी की है, इससे आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर हो जाएगा, यू विल नोटिस इट. आप देखते हैं ये वर्ड जिनके मिडिल में टी आता है, जैसे वाटरमेलन. अब जो आप लोग कहते हैं ना कि वो अंग्रेज कहते हैं कि जो जिधर टी आए तो टी को खा जाओ, तो असल में टी को खाते नहीं है, टी के साथ 8 साउंड ऐड होता है तो वो वाटरमेलन. अब आप लोग कहोगे मैडम भी खा गई हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने यहाँ 8 साउंड ऐड किया है. वाटरमेलन, बटरफ्लाइज, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट जो है वो उर्दू में हम कहते हैं और रेस्टोरेंट इन इंग्लिश. लिटल्टन, बैटल फ्रंट, मैदान जंग जो होता है ना उसे हम जो उसकी पहली स्टार्टिंग की ने कहा जाता है अबाई सफ़े उर्दू में, इब्तदाई सफ़े जिन्हें कहा जाता है तो उसे हम इंग्लिश में बैटल फ्रंट कहते हैं. इंटरटेन, इंटरटेन, दो जगह 8 साउंड हमने ऐड किया. खेथनिश, बिल्ली के बच्चे जैसा. बटर कप. कॉन्ट्रैक्चुअल, पीटर पैटर, कमिटमेंट. कार्टूनिस्ट, बैटरीज, फिटनेस, प्रोटेस्ट, बिटरनेस, टेस्टमेंट, पोट्री, इंटरैक्ट, चॉकलेट. अच्छा,
अच्छा अब हम देख लेते हैं हाउ टू से थैंक यू इन डिफरेंट वेज. जब कोई आपको थैंक यू कह रहा है तो आपने किस तरह की डिफरेंट वेज यूज करनी है. ऑब्वियसली हम लैंग्वेज वाले हैं, अगर हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमारी स्पोकन जो है वो दूसरों से बेटर होनी चाहिए. हमें एक बात को कहने के बहुत से तरीके आने चाहिए, जिसे आप लैंग्वेज मैनिपुलेशन कहते हैं, डिफरेंट तरीकों से यूज करना लैंग्वेज को. जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हो तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी वहां पढ़ते हैं, आप डिफरेंट डिस्कोर्स पढ़ते हैं कि एक बंदे ने एक फलाम टाइम पे ये बात कही तो उस बात का मतलब क्या था, उसने अल्फाज को किस तरह घुमाया फिराया, तो बड़ा मजा आता है. Thanks. Thank you so much. I really appreciate it. You are a lifesaver. You are the best. I can't thank you enough. I owe you one ki tumhari ek favor meri taraf udhar hai. That was very kind of you. Ab ye was hai. ठीक है, इसे वाज नहीं पढ़ना. वाज क्या होता है, गुलदान होता है जिसमें हम फूल लगाते हैं. थैंक्स अ मिलियन, यू हैव माय ग्रेटिट्यूड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल फॉर योर हेल्प, आई एम इन योर डेप्ट. डेप्ट कहते हैं कर्ज को. दैट मीन्स अलोट टू मी, मीन्स अलोट टू मी कि मुझे बड़ी खुशी हुई है. I am blessed to have you in my life. You are a star. Kisi ki zindagi mein, hamari zindagi mein ek aisa banda jiski bahut importance ho, jiski wajah se hum powerful feel kare ya hum enthusiastic feel kare to use hum star kehte hain. You are amazing. Amazing use hota hai jahan koi cheez bahut zyada achhi ho, aam cheez se bahut zyada behtar ho. I couldn't have done it without you. Main kabhi bhi tumhare baghair nahi kar sakta tha. Much obliged. Main bahut shukr guzar hu. Ab aapne dekhna hai ki thank you hum kyun kehte hain jab hum logon ko appreciate karte hain in a different ways, taki wo valuable feel kare aur wo jo kisi ki madad kar rahe hain wo cheez unme baad mein bhi maujood rahe. All right, student, that's all for today. Now you can ask your questions. Ji students.